जिसमें स्मार्ट डायग्नोसिस है पर थिंक यू नहीं है, उसमें हम थिंक यू के द्वारा स्मार्ट डायग्नोसिस कैसे लगाएंगे देखते हैं। पहले हम एल जी थिंक यू ऐप पे जाएंगे, यहाँ आ रहा प्लस, प्लस करेंगे, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले कैसा है? इनमें से कुछ नहीं, नो। वाईफाई ब्लिंक हो रही है? नहीं, नॉट ब्लिंकिंग। हमारा प्रोडक्ट बिना वाईफाई वाला है? ओके। टैग ऑन है? नहीं, नो पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट डायग्नोसिस है? यस, हम देख सकते हैं लोगो, हम इसको यस करेंगे। कौन सा है? टॉप फ्रीजर है, टॉप फ्रीजर पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले है? नहीं, नो पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। अब हम वहाँ पर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पे क्लिक किया, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स लगाना है, गेट स्टार्टेड, ओपन द फ्रीजर डोर, तो हमने इसको बंद किया, ओपन किया, स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स के पास ले गए, यस। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर डोर 5 बार ओपन क्लोज करना है, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ से आ गया कि टेम्परेचर भी ओके है, इवेपेटर भी, फैन मोटर भी, ईटीसी, सब कुछ ओके है, शो हो गया कि हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ओके है। अब हम देखते हैं अगर रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे पता चल सकता है। जैसे अभी हम गेट स्टार्टेड किया, स्मार्ट डायग्नोसिस के पास लेके गए, नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर डोर को 5 बार ओपन क्लोज करना है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पे जैसे एरर दिखा रहा है, एरर FS, मतलब कुछ फ्रीजर्स, फैन मोटर्स, फैन का इशू है, कूलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, फैन की नॉइस का भी इशू हो सकता है, तो जो भी इशू होगा इसमें एरर शो हो जाएगा।